वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो हर दिन की तरह आज भी मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, तो तभी मेरे सामने एक 1916 की एक वीडियो प्ले हुई, जिसे देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए कि अगर मैं आज कोई भी एक वीडियो एडिट करता तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। और अगर यही सेम चीज़ 1916 के अंदर कोई इंसान करता होगा तो उसको इन चीज़ों को करने के लिए कितना ज़्यादा वक्त लगता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता होगा, और मेन बात तो ये है कि वो उस वीडियो को स्टोर करने के लिए कौन सा स्टोर डिवाइस यूज़ करता होगा, क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती। तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर हम गए गूगल के पास और वहाँ पर मुझे इन सारे सवालों के जवाब मिले। तो वहाँ पर मैंने देखा कि अगर हमें कोई भी वीडियो एडिट करनी होती तो उस वक्त कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल था ही नहीं, जबकि वहाँ पर एक पूरी की पूरी मशीन थी जिसके ऊपर हर एक वीडियो को मैनुअली एडिट किया जाता था, हर एक साउंड को हर एक वीडियो को एडजस्ट करना पड़ता था, उन्हें मैच करना पड़ता था, उन्हें कट करने के लिए मैनुअली उन्हें कट करना पड़ता था और उसके बाद जोड़ना भी पड़ता था। उसके बाद जो लास्ट रिजल्ट मिलता है उसे हम थिएटर में देखा करते थे, और इन सभी वीडियो को स्टोर करने के लिए एक रील का यूज़ किया जाता था जो कि कुछ इस तरीके से हुआ करते थे। और ये जो प्रोसेस थी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग हुआ करती थी, और इसके अंदर एक छोटी सी गलती भी आपकी पूरी मेहनत को खाक करने के लिए काफ़ी होती थी। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आज हम जिस लेवल पर हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस, और 1960 में और 2023 में ज़मीन और आसमान का फर्क। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर करना, और इसी तरीके की और वीडियोस इस चैनल के ऊपर आती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।